कोरोना की हौलनाक ही मजीद छह मौत। लाहौर में वायरस से मरने वालों की मजमुई तादाद 1288 हो गई। 24 घंटों में 225 नए मरीज, 329 मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में जेरे इलाज, 136 आईसीयू पर, 23 वेंटिलेटर्स पर हैं। कोरोना को काबू करने के लिए मजीद 55 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन। आम दौरफ्त बंद, दातागंज बख्श टाउन 5, शालीमार 2, समनाबाद के 27 इलाकों की बंदिश। डीसी का सोडेवाल का दौरा, इंतजाम का जायजा लिया, सैंपलिंग का अमल भी देखा। हुकूमत हवास बाख्ता, स्मार्ट लॉकडाउन के नाम पर गुलबर्ग में 3 लीगी एमएनएस की गली भी सील कर दी। परवेज मलिक, शाइस्ता परवेज और अली परवेज मलिक शामिल। पुलिस एहलकार बैरियर लग गए, शाइस्ता परवेज हुकूमती इकदाम पर बरस पड़ी। ना अहल और ना लायक ये हुकूमत है, उनसे तवक्को तो नहीं है कि कुछ भी होगा। लाहौर जलसे के खिलाफ दरखास्त मुस्तरद, लाहौर हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। एक शख्स जिसका ताल्लुक ही नहीं, वो कैसे इकदाम को चैलेंज कर सकता है? जस्टिस जवाद हसन के रिमार्क्स। पीडीएम की आवाज दबाने का इकदाम, पुलिस ने जलसों में रंग जमाने वाले डीजे बट को हिरासत में ले लिया। एसएचओ गिरफ्तारी से लाइल्म, टेंट शामियाने देने वालों और साउंड सिस्टम कंपनीज को वार्निंग। कोरोना दफात के तहत सहूलतकारी के मुकदमा दर्ज होंगे। क्रैक डाउन के लिए 343 केटरर्स की फहरिस्त तैयार, खुसूसी फोर्सेस को एक्शन का हुक्म। कोरोना एक्ट और ट्रैफिक रोकने के इल्जामात, मसीद 2 मुकदमा। 200 कारकुन नामजद, ग्रीन टाउन में 25 अफराद की मीटिंग के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज। इलाका पटवारी मुदई बना, गिरफ्तारियों का खदशा। 100 लीगी कारकुनान की जमानत की दरखास्तें, अदालतों ने मुकदमात का रिकॉर्ड तलब कर लिया। बरसात के मौसम में इस्तीफों की झड़ी, गजाली सलीम भट्ट, बिलाल अकबर खान, समीउल्ला, राहिला खादम, हिना परवेज भट्ट, सानिया आशिक ने भी इस्तीफा लिख दिया। उज्मा बुखारी, अनीजा फातमा, बिलाल फारूक, जहांगीर खानजादा ने इस्तीफा क्यादत को भेज दिया। अख्तर हुसैन समेत 20 से ज्यादा दीगी अराकीन के इस्तीफे आ चुके। खोखर बरादरान और सुहेब भरत पहले ही इस्तीफे दे चुके हैं। हसन मुर्तजा ने भी बिलावल भुट्टो जरदारी को इस्तीफा भेज दिया। नून लीग लाहौर जलसे की मेजबान, 10 बड़ी जमातें होगी मेहमान। स्टेज कहां बनाएं, कुर्सियां कहां लगाएं, पार्किंग कहां होनी चाहिए? लीगी क्यादत में मुशावरत, काजा साद रफीक, शाइस्ता परवेज, राना मशहूद, बिलाल यासीन और मुबशर इकबाल का मीनार पाकिस्तान ग्राउंड का दौरा, इंतजामात का जायजा। शेर जवान फोर्स पे मुतहर्रिक, खोखर बरादरान यासीन सोहल की क्यादत में मोटरसाइकिल रैली। काजा सलमान रफीक भी नौजवानों को मॉडल टाउन से मीनार पाकिस्तान तक लेकर गए, जगह जगह नारेबाजी। पीडीएम का जलसा ताजरों में टॉक ऑफ द टाउन बन गया। मॉल रोड पैनोरामा, नकी मार्केट, बीडन रोड के ताजिरान की बैठक। नून लीग के हम कदम बनने का फैसला, मौजूदा हुकूमत को मईशत की तबाही का जिम्मेदार ठहरा दिया। कोरोना की संगीनी के बावजूद बे एहतियाती और गफलत, एसओपी के खिलाफ वर्दी पर इचरा मार्केट में ऑपरेशन, 27 दुकानें सील। शालामार में 28 शटर गिरा दिए गए। कजाफी स्टेडियम के करीब बटकराही और कॉफी बार भी बंद, 46,000 के जुर्माने। गौहर एजाज फाउंडेशन का जिना अस्पताल की बेहतरी के लिए एक कदम और। सरकारी अस्पताल को मुकम्मल कंप्यूटराइज करने के लिए इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम के निफाज के लिए मुआहिदा। गौहर एजाज फाउंडेशन, पंजाब आई बोर्ड और जिना अस्पताल इंतजामिया में मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। चेयरमैन बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट जिना अस्पताल गौहर एजाज की वीडियो लिंक के जरिए शिरकत। प्रोजेक्ट पर 116 मिलियन के अखराजात आएंगे। सरकारी हॉस्पिटल्स आम आदमी के लिए तो आम आदमी के इलाज में ताखीर क्यों? ऑपरेशन के लिए सिफारिश किस लिए? वजीर आला उस्मान बुज़दार को सरकारी इलाज मुआलजे की जमू हाली पर तशवीश। महकमा सेहत से रिपोर्ट तलब, डैशबोर्ड को सेहत खिदमात मॉनिटर करने की हिदायत। एलडीए के वर्क चार्ज मुलाजमीन पर बिजली गिर गई, फरागत के परवाने देने का फैसला। 203 मुलाजमीन माह नवंबर की तनख्वाह देकर पारी कर दिए जाएंगे। एलडीए गवर्निंग बॉडी ने मुतफिका तौर पर मंजूरी दे दी। वर्क चार्ज मुलाजमीन की 37 लाख रुपए तनख्वाहों का बोझ नाकाबिले बर्दाश्त हो गया है, चीफ इंजीनियर अब्दुल रजाक का मौकिफ।
सरकारी तालीम का अल्लाह हाफिज, आर्ट्स असातिज़ा साइंस पढ़ाने के लिए मुकर्रर, एडजस्टमेंट का गौरख धंधा, ई ट्रांसफर की भूल भुलाई, अहम मजामीन वाले असातिज़ा भी तायुनाती के लिए धक्के खाने पर मजबूर, नाअहल महकमा स्कूल तहाल, खाली असामियों की तफसीलात अपलोड ना कर सका। इम्तिहानी पैटर्न की तब्दीली, कोरोना के दौरान तुलबा का इम्तिहान रट्टा सिस्टम खत्म करने के लिए तसव्वुराती सवालात इम्तिहानी पेपर में शामिल करने का फैसला, समरी मंजूर हुई तो नवीं दसवीं और इंटरमीडिएट के इम्तिहानात में पहले साल 25% सवालात तसव्वुराती होंगे। तुर्क कंपनीज को नोटिस भेजने पर LWMC की चेक घसाई, ओस पाक के बाद अलबेरा का भी मशीनरी वापस करने से इनकार, नोटिस गैर कानूनी करार, जवाबी कानूनी नोटिस भी अरसाल, चेयरमैन LWMC अमजद नून की तुर्क कॉन्ट्रैक्टर्स के CEO से मुलाकात, सफाई के इंतजाम यकीनी बनाने की दरखास्त, शहर की सफाई यकीनी बनाएं, अफसरान और वर्कर्स की छुट्टियां मंसूख। वसूलियों का बहरान, शहर का निकासी और फराहमी आपका निजाम दो राहे पर, वास्ता ने अदायगियों और वाजिबात के लिए 2 अरब की ग्रांट मांग ली, समरी मंजूरी के लिए वजीर आला पंजाब को इरसाल। अबरे बारां से फजा खुशगवार, मंजर शफाफ, दर्जा हरारत भी गिर गया, कोट लखपत, कायद आजम इंडस्ट्रियल स्टेट और टाउनशिप में हल्की बारिश, जहरीला धुआं, उड़न छू। सर्दी के साथ पोल्ट्री की कीमतों में भी इजाफा, ब्रायलर की उड़ान 3 रुपए इजाफे से 305 रुपए किलो हो गया, अंडों का मिजाज भी गर्म 187 रुपए दर्जन पर रोक, सब्जियों और फलों के दाम भी नीचे न आए, घी, खुदनी ऑयल और दालें भी मजीद महंगी हो सकती हैं, मुतल्लिका महकमों ने खतरे से आगाह कर दिया, महंगाई पर काबू कौन पाएगा बस ये नहीं बताया। प्राइवेट पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर नया बोझ, हुकूमत का रूट परमिट फीस में इजाफे का फैसला, 1 लाख मुसाफिर बसों से लेकर टैक्सी कैब, रिक्शों और चिंगटी रिक्शों की सालाना फीस में इजाफा किया जाएगा, रूट परमिट फीस में इजाफा काबीना मंजूरी से मशरू। एरिया का गैर कानूनी काबजीन के खिलाफ ऑपरेशन, गुजरपुरा में कब्जा माफिया के शिकंजे से 4 प्लॉट छुड़ा लिए गए, नाजायज तामीरात मिसमार, रायवन रोड पर कार्रवाई, अनारकली मार्केट डिफेंस को सील कर दिया गया, वर्कशॉप और दीगर तजावुजात गिरा दी गयी। गाजियाबाद थाने के हवालात में पुर इसरार हलाकत, हरबंसपुरा से पुलिस अहलकारों ने मोहम्मद बूटा को अदम रिकॉर्ड की बिना पर हिरासत में लिया था, IG पंजाब का नोटिस, CCPO से रिपोर्ट तलब। किक बैग्स, बैरूनी दौरे और दफ्तर में बैठकर निजी कंसल्टेंसी चलाने के इल्जामात पर तहकीकात, तफ्तीशी अफसर पर सवालात, इल्जामात और तहफुजात का इजहार, लेबर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के बाबुओं ने करप्शन बचाने का नया फॉर्मूला इख्तियार कर लिया, केस की तफ्तीश करने वाले डायरेक्टर लेबर से अदम तआवुन, रिकॉर्ड फराहमी में मुश्किलात खड़ी करने लगे। जाली डिग्रियों की तस्दीक का तरीकाकार तब्दील, पंजाब यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर कमेटी भी तस्दीक की अमल का हिस्सा होगी, सिंडिकेट का फैसला, जाली तस्दीक पर पीड़ा कार्रवाई होगी और क्रिमिनल केस बनेगा, नौकरी तो जाएगी ही, जेल की हवा भी कानी पड़ेगी। एहतसाब अदालत में जायद असासों के केस की समाअत, साबिक चीफ इंजीनियर टीपा मजहर हुसैन के जुडिशियल रिमांड में 22 दिसंबर तक तौसी, नैब को जल्द रेफरेंस दायर करने का हुक्म। तोशाखाना के तहफ की खुफिया नीलाम, हुक्म इम्तनाई में 13 जनवरी तक तौसी, चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान ने विफाक से 5 साल की नीलामियों का रिकॉर्ड तलब कर लिया, नीलामी में हिस्सा लेने वालों की भी तफसीलात तलब। मैटरनिटी लीव पर अब आधी नहीं पूरी तनख्वाह, नोटिफिकेशन जारी, महकमा स्कूल एजुकेशन ने कॉन्ट्रैक्ट पर मौजूद सरकारी खवातीन असातिज़ा को खुशखबरी सुना दी। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर की मंसूरा आमद, अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक से मुलाकात, वालिदा के इंतकाल पर ताजियत, फातिहानी। मुशीर वजीर आला पंजाब फैसल हयात का लाहौर चैम्बर का दौरा, सदर मियां तारिक मिसबा और दीगर अहदेदारान से मुलाकात, डेयरी और एंड लाइफ स्टॉक के शोबे के फ्रॉक पर तबादला ख्याल। एरिया की गवर्निंग बॉडी का इजलास, ताजपुरा और शेरांवाला गेट में जेर जमीन वाटर सीवरेज टैंक बनाने की मंजूरी,
विरासती इंतकाल के लिए अदालती डिग्री की शर्त खत्म। रिवर रावी प्रोजेक्ट में शामिल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की अराजी को बहाल रखने का भी फैसला। तामीराती सनत के लिए अच्छी खबर, सीमेंट सेक्टर में 300 अरब रुपए की सरमायाकारी। सूबाई वजीर मादनियात हाफिज समार यासिर ने तरक्की की राह में फायल रुकावटें दूर कर दी। महकमे मादनियात से 8 नई फैक्ट्रीज को लाइसेंस जारी। अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज के तहत ऑनलाइन MBBS इम्तिहानात का आगाज। साल चहारम और फाइनल ईयर के इम्तिहानात 9 दिसंबर से 21 जनवरी तक होंगे। प्रिंसिपल प्रोफेसर अलफरी जफर ने जनरल अस्पताल में ऑनलाइन इम्तिहानी सिस्टम का इफ्तिताह किया। और सुर संगीत और साज के बादशाह राहत फतेह अली खान की आज सालगिरह। अजीज ओखारे, दोस्त अहबाब और दुनिया भर में फैले मद्दाहों की जानिब से मुबारकबाद के पैगामात, नेक ख्वाहिशात का इजहार।